खबर गंडई से है, जहां किसान सेवा सप्ताह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के निर्देशानुसार पूरे जिले में किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में जिला सहकारी बैंक गंडई के सामने किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली से पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, छत्तीसगढ़ी गोधन न्याय योजना के तहत किसान मजदूर और गोपालकों के खाते में पैसे हस्तांतरित किए हैं, जिसके बाद राशि जमा होने पर किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेसी नेता शामिल रहे। कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने सभी प्रदेश के सभी किसानों के खाते में बोनस कर तीसरी किस्त डाले हैं, और हमेशा 1 नवंबर को राज्य उत्सव के दिन डाला जाता था, लेकिन हमारे किसानों के समस्या और सामने दीपावली को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को सभी किसानों के खाते में किस्त डाले हैं। बार बार किसानों को नहीं, जितने किसान धान बेचे हैं उनको मिलता है, और जो उद्यानिकी फसल लगाए हैं, जो खेत में लगाते थे पहले धान बोते थे, उनके बदले में भी 9,000 मिल रहा है। कोदो कुटकी जो वो है उनको भी मिलता है 9,000 प्रोत्साहन राशि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत। ये हम तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि किसानों के समस्या को देखते हुए 17 अक्टूबर को किस्त जारी किए हैं। संजू सिंह चंदेल, कृषि उपज मंडी गंडई अध्यक्ष। नमस्कार, रत्नेश कुलदीप, मैं साधना न्यूज के लिए गंडई से। और जिस प्रकार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज यहाँ पे किसान सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, और बहुत से किसान हैं जिनके खाते में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किस्त डाले गए हैं, जो उनको माना जाए कि किसान न्याय योजना के अंतर्गत, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो बोनस बोले या फिर न्याय योजना के अंतर्गत जो उनको पैसा मिलना था उनके खाते में डाला गया। जबकि देखा जा रहा है कि दीपावली का सीजन है, और दीपावली के सीजन में किसानों के खाते में पैसा डाला जाना, किसान इससे कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको क्या लाभ हुआ है, हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में बहुत से किसान हैं, उनमें से आइए हम किसान से जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएंगे। नाम राम खिलावन यादव, खौड़ा रहतो में है। राम खिलावन जी, बताओ आपके खाता में अभी पैसा आए है, कतेक पैसा आए है, वो आप लोग कैसे महसूस होते? जितका जो बोनस कहिया है तीन तीसरा किस्ती हमला मिल चुके हैं, खाता में आ चुके हैं, आपके खाता में आ गए। हाँ। जैसे कि आप वेशभूषा से दिखा था वो गौ पालक करो, तो का आप ला एकर पर भी कुछ सहायता राशि मिले है, कैसे बताओ का बारे में? आप गौ पालक कर गाय गाय पालन में सहायता राशि मिले है? हाँ, मिले है सहायता राशि गौ पालन में मिले हमला। कतेक मिले हावे, कैसे मिले हावे, आप एकर से खुश हो कि नहीं हो, तेला बताओ, थोड़ा विस्तार से बताओ। गोबर बेचत हैं और गोबर के जिन राशि मिल रहे हैं। मिले हवे आप लोग, कतेक तक मिल गए हो अभी तक? अब वो है जिसे जिसे जिन जेखर पास गोबर है ओखर हिसाब से है बुना सही है मिला था। आपके खाता में आया। तो अभी इन दीपावली सीजन है और वो समय में आपके खाता में मुख्यमंत्री द्वारा पैसा डाले गए हैं, तो आप क्या कहना चाहो मुख्यमंत्री? नहीं, हम जन प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम खुशी हैं, हमारे समय समय में पैसा डाल चुका थे, अब ये तीसरा किस्ती हमला मिल गए है, इसमें हम खुशी हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके खाते में रुपए डलाए? मेरे खाता में 22,000 रुपया आए है धान के बोनस के, और प्रधानमंत्री जी के सहायता राशि है वो 2,000 वो भी आ गए है, और वही पैसा लेने पर मैं बैंक आया हूँ। अब थोड़ा से आज शुरू दिन है तो गर्दी ज़्यादा है, एक कारण से हमारे नीचे में अभी खड़े हैं, हमारे मन के पैसा अभी मिली, और वही त्यौहार के वजह से हमला खुशी बहुत है कि हमारे किसान मन के हाथ अभी वक्त खाली रही थे, तो हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी हाँ अच्छा मौका में दी जो पैसा ला, हमला अति खुशी हुई, हमारे घर के खुशहाली, हमारे परिवार भर कपड़ा लगता, और ये दिवाली हमन अच्छा मौका में ये मान सकते।